बताना चाहता हूँ, मैं अपना रूम दिखाता हूँ आपको, ठीक है, जिस रूम में मैं रहा हूँ एग्जाम की प्रिपरेशन के लिए। थोड़ा अभी उठ पहाड़ के नीचे आएगा 0.5 में। हाँ क्या कह रहे, कैसे हैं आप सब लोग, होपफुली एवरीबॉडी इज डूइंग ग्रेट। भाई साहब अभी मुझे ना घर पे वाईफाई कुछ नहीं है, पहले तो मैंने लाइब्रेरी ज्वाइन कर रखी थी तो उससे वाईफाई वगैरह यूज कर लेता था जो कि पढ़ाई के लिए चाहिए होता था, बट अभी क्योंकि वीडियो अपलोड करने के लिए, जो वीडियोज वगैरह डाउनलोड करने के लिए, म्यूजिक डाउनलोड करने सब के लिए वाईफाई इंटरनेट चाहिए ना, तो मैंने सोचा कि घर पे बैठे बैठे वैसे भी नींद आएगी तो इससे बढ़िया कहीं चलते हैं। तो आसपास में साकेत पड़ता है मैंने, तो मैं साकेत आ गया हूँ मॉल में। यहाँ का फूड कोर्ट बहुत बढ़िया है, मैं पहले भी आया हूँ बहुत बार, तो मैंने सोचा यहाँ पे चलेंगे, यहाँ पे बैठेंगे आराम से, अपनी एडिटिंग वेडिटिंग करेंगे एंड देन कंप्लीट करके कल वीडियो अपलोड कर दें, ऐसा मैं सोच रहा हूँ। देखता हूँ यहाँ पे वाईफाई मिलता है तो ठीक है, अदरवाइज अपना मोबाइल डेटा से यूज करना पड़ेगा, बट अच्छी सीटिंग है, थोड़ा सा मन लगा रहेगा, समझ रहे हो आप। That's very sad. Back on work. व्लॉग ऑलमोस्ट एडिट कर दिया है, दोबारा से चेक कर रहा हूँ, इसके बाद इसे रेंडर कर देंगे एंड देन छोटे छोटे बच्चे भूख अभी लगी नहीं कुछ भी, क्योंकि मैं ऑलरेडी घर से जो खाना आया था वो वाला खाना खा रहा हूँ, चेक कर रहा हूँ अभी ब्लूटूथ लग नहीं रहे, बस जस्ट बैठा हुआ हूँ यहाँ पे एंड देन अपना वो पूरा कंप्लीट हो गया ऑलमोस्ट, बच्चे एकदम फुल एंजॉय करते हुए। भाई साहब दोपहर हो गई है, ठीक है मैं घर जा रहा हूँ अभी वापस, क्योंकि घर जाना पड़ेगा समझ रहे। मैंने ना एक गलती कर दी, मैंने चार्जर लेके आना भूल गया लैपटॉप का, और चार्जर के बिना लैपटॉप डेड हो गया। मैंने ऑलरेडी पूरा व्लॉग एडिट कर लिया, जस्ट उसे रेंडर करने के लिए डाला तो स्विच ऑफ ही हो गया, मतलब कि मैंने सोच लिया कि अब तो जाना पड़ेगा तो इस चक्कर में भी जा रहा हूँ। बाकी ये सेलेक्ट सिटी का साकेत, सेलेक्ट सिटी का मॉल मस्त है यार, जगह बढ़िया है देख। इस वाले ब्लॉग में ज़्यादा कुछ कुछ दिखाया नहीं क्योंकि ऐसा ही था, बस बाहर गया एडिटिंग की वैसा आ गया है ना, बट एनीवेज मैं बताना चाहता हूँ, मैं अपना रूम दिखाता हूँ आपको, ठीक है, जिस रूम में मैं रहा हूँ एग्ज़ाम की प्रिपरेशन के लिए, थोड़ा सा मैसी हो रखा है क्योंकि कोई बहुत दिनों से ऐसे ही पड़ा हुआ है और साफ़ सफाई हुई नहीं है ना, थोड़ी सी कुछ चीज़ें मैं ढक देता हूँ इधर, चलिए ये हो गया ठीक है, बाकी सब ठीक। हाँ देखना ठीक है, क्योंकि दिल्ली में रूम्स इतने महंगे हैं, बहुत महंगे, एक मिनट देखता हूँ वहाँ सही आ रहा, दिल्ली में रूम्स इतने ज़्यादा महंगे हैं तो इस चक्कर में भैया जो सस्ता सा मिले, ठीक ठाक मिले, जहाँ पे आप रह सकते हो, बस सो सकते हो शाम को, है ना, बाकी दिन में तो पूरा टाइम लाइब्रेरी में गुजारना होता है यहाँ पे, तो इस चक्कर में मैंने ये वाला रूम ले रखा है, पीजी में हूँ एक्चुअली मैं, तो एक बेड ये देख रहे हो पूरा, इससे इतना चूना गिरता है, इतना चूना गिरता था, अभी तो मैंने इसको झाड़ के कर दिया और अभी एक दो दिन में ये रीपेंट भी हो जाएगा, तो मैंने सोचा उससे पहले मैं आपको दिखा देता हूँ। ये सब मेरी बुक्स वुक्स पड़ी हुई हैं इधर, कुछ बुक्स अभी भी लाइब्रेरी में पड़ी हुई हैं, और इससे भी चूना पत्थर लगता था क्योंकि ये ना इधर कपड़े वपड़े के लग जाता था ऐसे करते ही, फिर मैंने यहाँ पे तो अखबार लगा दिया, ऐसे एडजस्टमेंट कर करके रहता, बहुत छोटा सा है ये, पता नहीं कितना बड़ा दिख रहा है, छोटा दिख रहा है,
बट बहुत एडजस्ट करके रहता था मैं एनीवेज। बट मेरे अभी जब आया हूँ मैं, और अभी एक दो महीने मैं दिल्ली में ही हूँ, जब तक मेरा हॉस्पिटल वगैरह नहीं मिल जाता मुझे अपने इंटर्नशिप के लिए, तो तब तक मैं सोच रहा हूँ यहीं रहूँ। तो अभी ये पेंट वेंट हो जाएगा, तो मैंने सोचा उससे पहले मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ मेरे रूम की कंडीशन, ठीक है। तो उससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता यार, आप लोगों को बस सस्ते में रहना है, बस बात ही ख़त्म। और बाकी पढ़ाई तो लाइब्रेरी में ही करनी है, तो कोई टेंशन है ना। तो चलिए दिखा दिया। बाकी अभी मैं ना अभी जा रहा हूँ, मेरे एक दोस्त है शुभम, वो आया हुआ है, वो उसने कोई पीजी वीजी लिया आसपास, अभी वो थोड़ी देर पहले यहीं आया था, उसको मिठाई विठाई खिलाई, फिर उसके बाद उसको मतलब वो चला गया था, तब उसके चक्कर में मैंने वाईफाई वाईफाई वाला भैया आए हुए थे तो वाईफाई लगवाए, यहाँ पे लटका के गया हूँ, बाकी तब वो चला गया। तो अभी उसके पास चलते हैं, बातचीत करते हैं उससे, एंड देन वो भी इसी के प्रिपरेशन के लिए आया है, ठीक है, एग्ज़ाम की के प्रिपरेशन के लिए। तो बाकी फिर खाना वाना खाते हैं फिर। हाँ भाई ये है भाई अपना दोस्त आया अभी, अभी वो टपाड़ के नीचे आएगा। कैसा फील हो रहा भाई दिल्ली में आके? भाई बयान नहीं कर सकते इस फीलिंग को। फिर तो पास होने से पहले इंटरव्यू चालू है वैसे। छह महीने बाद दोबारा पास होने के बाद इंटरव्यू देगा पूरा। और ये पीजी है भाई का, पीजी में रह रहा है, सारा ठीक है भाई। भाई जब अपने दोस्त के रूम पे आया हूँ, सुबह अभी आया ना, उसने ये वाला पीजी लिया है, ठीक है यार, ये बड़ा मस्त है, बट यहाँ का है रेंट 12,000.5 में। हाँ यहाँ का है रेंट 12,000, जिसमें खाना, ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर एंड रेंट है ना, तो 12,000 है यहाँ का रेंट। मैंने सोचा ऐसे ही बता देता हूँ आपको, ये वाला पूरा व्लॉग में कमरे ही कमरे हो जाएंगे। बाकी ठीक है यार, दो जने रह सकते हैं आराम से, एक टेबल दे रखी है, दो चेयर दे रखी है, दो अलग अलग साइड छोटे छोटे, बेड का साइज यहाँ पे बहुत छोटा है ना, छोटे छोटे दो बेड दे रखे है, बाकी एसी दे रखी है, और अलमीरा वगैरह आपको दिख रही है, हाँ टेबल दो है, एक ही एक वो, तो ये बात है भाई साहब। 12,000 में वॉशरूम अटैच्ड है, ये वाला वॉशरूम तो महंगे हैं यार, थोड़े से कमरे तो महंगे हैं गौतम नगर में, क्योंकि इतना स्पेस देते नहीं है लोग जितना पैसा लेते हैं। बट एनीवेज भीड़ भी उतनी है, डिमांड भी उतनी है, तो इस चक्कर में प्राइस भी बढ़ता ही रहता है। बालकनी भी है लेकिन इसकी एक बात हो रहा था, तो ये अच्छी बात है भाई साहब।